हेलो गेमर्स एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। फिर से हम लोग आज खेले जा रहे हैं GTA 5। लास्ट एपिसोड में सिमियन ने हम लोगों को बोला था कि घर में से तुमको SUV लानी है, और वो घर था माइकल का, और उस गाड़ी को माइकल ने खरीदा था, मतलब माइकल के बेटे जिमी ने खरीदा था। तो हम लोग जब ला रहे थे उसको, तभी उसमें माइकल भी पीछे बैठा हुआ था। तो माइकल ने बोला कि तुम जहाँ जा रहे हो मुझे वहाँ लेके चलो। उसके बाद माइकल को हम लोग जब वहाँ लेके गए तो सिमियन को उसने बहुत मारा। तो हम लोग का जैसा कि माइकल खुल चुका है, तो आज का हमारा काम है कि माइकल को ना एक अच्छी सी कार गिफ्ट देनी है। मतलब उसके पास कोई अच्छी कार नहीं है, और मैंने अभी अभी न्यूज में देखा कि लॉस सैंटोस का एक बहुत ही बड़ा बिलियनियर बंदा पास में ही रहता है। उसके पास है लैम्बोर्गिनी वेनेनो। अब लैम्बोर्गिनी बहुत ही ज्यादा सुपर कार के उसमें आती है, सुपर कार के लिस्ट में आती है। तो आज हम लोगों को वही चुरानी है, और हम लोगों को माइकल को गिफ्ट देना है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि वो गाड़ी कहाँ है। तो उस बिलियनियर का घर ना इस एरिया में कहीं तो है, शायद से यहाँ पे उसका घर पड़ेगा क्या, इसी एरिया में कहीं पे तो है। तो यहाँ चलते हैं फ्रैंकलिन के स्लो बाइक से। थोड़ा सा पहुंचने में टाइम लगेगा क्योंकि 1 माइल का डिस्टेंस है। तो ओके गाइस, गाड़ी को मैं फुल स्पीड में भगाते भगाते पहुंच चुका है वाले एरिया में। तो ओके गाइस, मैं वाले एरिया में आ चुका हूँ। तो माइकल का भी घर यही है, और उस बंदे का भी जो घर है वो यही है, जो आपको कासल टाइप में दिख रहा है ना, ये उसी का घर है जिसके पास लैम्बोर्गिनी है। अब उस लैम्बोर्गिनी का नाम है लैम्बोर्गिनी वेनेनो। तो ये गाड़ी का नाम तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। तो अभी देखते हैं उस गाड़ी को हम लोग कैसे चुराएंगे। बहुत सोच समझ के चुराना पड़ेगा। यहाँ से कहीं से रास्ता नहीं है क्या यहाँ जाने का? घर देख लो आप लोग, इसका कासल टाइप में लुक आ रहा है, और ऐसा कोई भी लॉस एंड्रॉस में कोई भी घर ऐसा नहीं है। तो ओके, इसके घर के बाहर 2 गार्ड्स लगे हुए हैं, तो मतलब यहाँ से हम लोग नहीं जा सकते। देखते हैं आगे से कोई रास्ता है क्या। इस गेट से जा सकते हैं? नहीं, गेट से भी नहीं जा सकते, गेट लॉक्ड है। यहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो ये वाला जो घर है ये खुल रहा है, ठीक है। तो ना मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहीं से चलता हूँ। तो ओके गाइस, आपको दिख रही है ना सामने वही लैम्बोर्गिनी है। तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ से एक बार कवर लेके देखता हूँ कि लोग क्या कर रहे हैं, पुलिस वाले कैसे, लोग से बचना है। अरे एम नहीं करना था यार, अभी यार मैंने गलती से एम कर दिया और 2 स्टार की पुलिस लग गई। ये लोग मारने लगे मुझे, मेरे पास गन शॉट गन है, ये लोग को मारते पहले फटाफट। और फोटो फोटो खींचेगा तो लैम्बोर्गिनी की। तो यार फटाफट लेके चलते हैं यहाँ से, पुलिस को तो मैंने मार दिया, लैम्बोर्गिनी को फटाफट यहाँ से लेके भगाते हैं। यार गाड़ी स्टार्ट हो जाए जल्दी। और यार गाड़ी की स्पीड तो भाई बहुत अच्छी है, पिकअप भी गाड़ी का बहुत अच्छा है। ए हट जाओ भाई, तुम लोग हट जाओ यार, इसका हैंडलिंग तो मुझसे नहीं हो रहा है, इतना डिफिकल्ट हैंडलिंग है इसका। और 3 स्टार की पुलिस लग गई है मेरे पीछे इस गाड़ी को चुराने के लिए। भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ। ओके भाई, गाड़ी को हम लोगों को फुल स्पीड में भंगाना पड़ेगा, लेकिन ऐसे ठोकते हुए नहीं जाना है वरना गाड़ी को नुकसान होगा बहुत ज़्यादा। मैं सामने से घुमा लेता हूँ। तो गाइस लैम्बोर्गिनी की स्पीड तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन यहाँ पे जगह जगह पुलिस खड़े हैं। यार गाड़ी तो एकदम बुरी हालत में आ रही है, मुझे एक ऐसी जगह देखनी पड़ेगी ना जहाँ पे पुलिस लोग मुझे ना ढूंढ पाए। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, सामने माउंटेन है उस पर चलते हैं, उस पर शायद पुलिस वाले नहीं देख पाए मुझे। यहाँ से चढ़ा लेता हूँ मैं माउंटेन पे, पुलिस लोग नहीं देख पाएंगे शायद मुझे यहाँ से। तो थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ अपनी गाड़ी को रखता हूँ। अरे अरे पुलिस की हेलीकॉप्टर ना, यहाँ ये पुलिस का हेलीकॉप्टर को सिग्नल भेज दिया कि यहीं है। यार कोई ऐसी जगह जाना है ना जहाँ पे पुलिस की हेलीकॉप्टर ना आए। मेरी लैम्बोर्गिनी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जा रही है, इसको भी जाकर रिपेयर करवाना पड़ेगा। रिपेयर करवा लेंगे, कोई ज़्यादा उतना मेजर प्रॉब्लम नहीं है। पहले मैं सोच रहा हूँ ना इसको मार देते हैं, ये जो है हेलीकॉप्टर वाला।
जो हेलीकॉप्टर वाला है ना, इसको हम मार देते पहले। कहाँ है? भाग ले, यहाँ तो पुलिस वाले कभी भी आते होंगे। और हेलीकॉप्टर ने भी अटैक करना शुरू कर दिया है। यहाँ से भगा लेंगे हम फटाफट। हटो यार, तुम भाग के गए रास्ते में। मैं गाड़ी यहाँ अपनी फटाफट ले लेता हूँ, अंदर की तरफ छुपा लेता हूँ थोड़ी सी, जो पुलिस लोग देख ना पाए। अभी आज पुलिस वाले यहाँ भी आ गए हैं। कैसे रखी यार लोग से मैं यार। पुलिस वाले ने तो घेर लिया चारों तरफ से, लेकिन मेरे लोग के हाथ में नहीं आने वाला। पीछे देखो भाई, आप लोग मैप में एक बार देखो कितनी ज्यादा पुलिस आ रही है मेरे पीछे। गाड़ी को कैसे कहाँ भगाएं जिससे हम लोग बच जाए पुलिस से। ओके ओके, शायद पुलिस लोग अब हम लोग को नहीं देख पा रहे हैं। आराम आराम से, मैं क्या सोच रहा हूँ ना, माइकल के घर में चलते हैं फटाफट। यार सामने से भी पुलिस आ रही है, चिंता करता हूँ यहाँ से साइड ले लेता हूँ जिससे पुलिस लोग ना देख पाए मेरे। अरे यार आगे से भी पुलिस आ रही है। ओ नो 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 नो, अरे यार गाइस आगे पीछे सब जगह से पुलिस आ रही है, तो मुझे यहाँ से घुमा लेना चाहिए। ओके गाइस, तो पुलिस ने हमारा फाइनली पीछा छोड़ दिया है और गाड़ी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। इसको मैं लेके चलूंगा पहले लॉस सैंटोस कस्टम्स और वहाँ से इसको रिपेयर करवाते हैं, उसके बाद हम लोग इसको माइकल को गिफ्ट दे देंगे। तो यहाँ से नज़दीकी लॉस सैंटोस कस्टम्स यहाँ है, तो यहाँ पे चलते हैं लेके गाड़ी को, ज़्यादा दूर नहीं है। पुलिस वालों ने इतना फायरिंग किया है ना इस पर कि गाड़ी की हालत एकदम ख़राब हो गई है और गाड़ी भी बंद भी हो सकती है किसी भी टाइम। लेकिन इस गाड़ी में इतनी पावर है ना कि जल्दी बंद नहीं होती। सामने से लेफ्ट, फिर हम लोग आ जाएंगे लॉस एंडोस कस्टम्स में। तो लेके चलते हैं गाड़ी फटाफट। गाड़ी की हालत देखो हम लोग किस हालत में इसको लॉस एंडोस कस्टम्स लेके आए हैं। इसको खाली रिपेयर करवाएंगे, मॉडिफिकेशन अपना माइकल ही करवा लेगा, तो उसको रिपेयर करवा लिए हम लोग। अब इसको एग्जिट करते हैं और चलते इसको फटाफट माइकल को हम लोग जाके गिफ्ट दे देते हैं। तो हम लोग उसको लेके चलते हैं माइकल के घर पे। और इसकी स्पीड यार मुझे मुझसे कंट्रोल नहीं होती, इतने डेंस स्क्रैचेस जा जाते हैं इससे। माइकल तो यहाँ पे बुला लेते हम लोग, मतलब माइकल के घर पे चलते हैं, फिर माइकल को बुला लेते हैं। और तुम लोग ऐसे क्यों घुमाते हो यार, तुमको समझ नहीं आता क्या? तो ओके गाइस, हम लोग माइकल के घर पे पहुंच गया। तो मैं क्या करता हूँ ना कि मैं माइकल को बुला लेता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई तुम आ जाओ घर के बाहर फोन लगा के। तो लोग गाइस माइकल आ गया यहाँ पे और माइकल को हम लोग दे देते हैं, बोलते हैं भाई तुम ये वाली गाड़ी ले लो, मैं माइकल से बात कर लेता हूँ। तो ओके गाइस, माइकल ने अपनी कार ले ली है फ्रैंकलिन से, पर इस पर गाड़ी पे जितने भी स्क्रैचेस आए, चलते हैं इसको रिपेयर करवा लेते हैं। मैं तो मेरा प्लान क्या है ना कि देखो, लॉस सैंटोस कस्टम से अगर हम लोग आते टाइम अगर हम लोगों की गाड़ी ठुक गई तब भी बार बार रिपेयर करवाना पड़ेगा। तो मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि लॉस सैंटोस कस्टम्स वालों को ना अपने घर पे ही बुला लेते हैं और वो लोग अपना रिपेयर कर लेंगे। तो मैं जा रहा हूँ अपने घर पर बुला लेता हूँ। और आज की वीडियो को हम लोग यहीं एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। पता नहीं मेरा गेम एकदम स्मूथ चलता है, फिर भी रिकॉर्डिंग कैसे इतनी लैगी आती है, तो उसका मैंने कुछ सोल्यूशन नहीं निकाल सकता। लेकिन अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे न्यू हो यार अगर या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो,
और मैं मिलता हूँ लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।